मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जब आप डाइट कर रहे होते हो ना, और आपने सोच लिया होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती आसमान एक क्यों ना हो जाए, आप अपनी डाइट तब तक नहीं तोड़ोगे जब तक आप अपना एक छोटा सा गोल अचीव नहीं कर लेते। उसी दौरान या तो आपके परिवार में कोई अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएगा, या आपके सपोर्टिव घर वाले और रिश्तेदार जो सुबह तक कुत्ते बिल्लियों की तरह बाल नोच नोच के लड़ रहे थे, वो मिलकर एक गेट टुगेदर प्लान कर लेंगे। और तो और भाई, मेरे जैसे मासूम जिनका सपनों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो भी रात में पिज्ज़ा, गरम गरम ब्राउनी, छोले भटूरे के सपने देख देख कर पूरा तकिया गीला कर रहे हैं यार। यार ये डाइट का सफर इतना कष्टदायी होता है ना, कि अगर उबले हुए अंडे की जगह गलती से आपको एक दिन चटाकेदार भले मिक्स वेज मिल जाए, फिर भी ऐसे लगता है जैसे भगवान स्वयं आपको अमृत पिलाने आए हो। यार देखो, आपकी जड़ से जिंदगी का ना असली सुख तो स्वादिष्ट खाना ही होता है, और अगर आपसे कोई वो ही छीन ले तो आपकी जड़ से जिंदगी का क्या ही एजेंडा रह जाएगा। यार आप ही बताओ, घास फूस खाकर आज तक कोई पतला हुआ है? नहीं ना। फिर देखो, मैं बता रही हूँ, इन अंग्रेजों की तरह घास फूस खाने में कोई आनंद नहीं है। परम आनंद तो गरम गरम आलू पराठे विद दही और साथ में थोड़ा सा आम का अचार में मिल जाए ना, तो यार जिंदगी सफल हो जाए।